अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हम सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश होंगे और ये वीडियो देखने के बाद और भी खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको कराने वाली हूँ सैर। और मैं कहाँ जा रही हूँ आप ये सोच रहे होंगे, मैं जा रही हूँ जी सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद। अगर आपने मेरे साथ चलना है तो लेट्स गो। जी जनाब, तो आ गया है सेंट्रोल्स मॉल इस्लामाबाद। ये मैं आपको व्यू करवा रही हूँ बाहर से इसका। बाहर से जितना ये खूबसूरत है, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपने इसकी खूबसूरती देखनी है तो मेरे साथ रहिए, कीप वॉचिंग। हाँ जी, यहाँ क्या है सेंट्रल मॉल और हम इसके अंदर आ रहे हैं। मैं आपको इसकी व्यू दिखा रही हूँ, कितना ही खूबसूरत सा प्यारा सा मॉल है हमारा इस्लामाबाद में। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो ज़रूर जाइएगा। अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं, जब भी आप इस्लामाबाद चक्कर लेंगे आप लाजमी सेंट्रल मॉल में आइएगा। वैसे तो यहाँ पर गीगा मॉल भी है और सफ़ा गोल्ड भी है, लेकिन नंबर वन पर है जी हमारा सेंट्रल मॉल। और इसकी खूबसूरती तो देख ही रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम कहाँ कहाँ जाएँगे? हम जाएँगे डिफरेंट ब्रांड्स में और उनकी कलेक्शन देखेंगे, न्यू सेल वाली भी। और मैं आई इसलिए थी कि मुझे जाना था अलमास, क्योंकि अलमास में है फ्लैट 40% और मैंने अभी तक वहाँ पे विजिट नहीं किया था। सो इसीलिए आज आने की वजह थी अलमास। लेकिन आपको पता है, अगर हम सेंट्रोरस आए, मॉल में आए और डिफरेंट ब्रांड्स को विजिट ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। सो मेरे साथ चलिए और देखिए। फाइनली हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे हम डिफरेंट ब्रांड्स का विजिट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे जिस स्टाइलों में, स्टाइलों में हम डिफरेंट की कलेक्शन देखेंगे, बैग्स देखेंगे और इनके शूज़। और बेटे के स्नीकर्स देखने आई हूँ मैं यहाँ पे, कि कोई अच्छा सा शूज़ उसका मिल जाए तो फिर हम ले सकें। यहाँ पर बेटा ट्राई कर रहा है, तब तक के लिए आप देख लीजिए ये इनके किड्स वेयर्स हैं। और इसके अलावा हम बैग्स देखेंगे। सो कीप इंजॉइंग एंड कीप वॉचिंग। ओके जी, अब मैं जा रही हूँ निशात में। जैसे आप सबको पता है कि समर सेल लगी है निशात पे भी, अप टू 50% ऑफ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ रेडी टू वेयर कुछ ड्रेसेस, और ये थे 30% और 40% पे थे, लेकिन के साइजेस तो थे वो बहुत कम थे, लार्ज एंड मीडियम थे इसमें या एक्स्ट्रा स्मॉल थे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कुर्ते, कुछ रेडी टू वेयर ड्रेसेस। उसके बाद हम देखेंगे बैग्स, और बेटी के लिए मैं देखूँगी कुछ शूज़, अगर उसमें कुछ मुझे साइज़ मिल गया तो देखते हैं। सो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए।
हाँ जी, ये हैं जी निशात के बैग्स, और इन पे भी सेल लगी हुई थी और ये 4500 रुपीज़ का था, लेकिन सेल के बाद ये कम प्राइसेस में हो जाएंगे ज़ाहिर है। तो ये देख लीजिए, इनके ये डिफरेंट शूज़ हैं, ये इनके बैग्स, और ये जो शूज़ हैं, मैं अपनी बेटी के लिए शूज़ देख रही थी, लेकिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी साइज़ नहीं मिला उसका, कोई भी सही नहीं था, या तो स्मॉल साइजेस थे या तो लार्ज साइजेस थे। तो फिर हमने शूज़ उसको ट्राई किए, बहुत सारे शूज़ मुझे पसंद आए, ट्राई किए, लेकिन कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, सो ये भी हम नहीं ले सके। निशात के हैं जी फ्रीडम टू बाय वाले ड्रेसेस, इसमें आप 1 पीस 2 पीस 3 पीस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अगर आपने कमीज़ दुपट्टा लेना है तो वो भी आपको मिल सकता है, अगर आपने ओनली दुपट्टा लेना है या ओनली शर्ट लेनी है तो वो भी मिल सकता है, और ट्राउज़र नहीं लेना चाहते तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से बाय कर सकते हैं। तो ये दुपट्टा कमीज़ और शलवार के साथ इन्होंने जो है डिफरेंट इनकी सेल्स लगी हुई हैं। तो दुपट्टा कमीज़ एक मैंने पता किया था वो 1700 to 1800 से स्टार्ट हो रहे थे, और इनकी रेंजेस जो है वो फिर आगे मज़ीद बढ़ रही थी, कुछ जो इनके मिल रहे थे 2200, 2300, 2100 में दुपट्टा कमीज़, और कुछ मिल रहे थे 1700, 1800 से स्टार्ट हो रही थी। तो प्राइसेस काफ़ी कम की हुई थी इन्होंने, 2100 में आपको 2 पीस मिल रहे थे। अगर आप ट्राउज़र नहीं लेना चाहती या मार्केट से या घर से चला सकती हैं तो आप आराम से ले सकती हैं। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं सफ़ायर में। सफ़ायर की भी मैंने कहा थोड़ी सी झलक आपको दिखला दी, चलूँ सफ़ायर ने भी सेल लगा, सॉरी सफ़ायर का जो न्यू इंटरमिक्स कलेक्शन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लग्जरी प्लस इंटरमिक्स कलेक्शन है, ज़्यादातर मैं आपको ये वाले दिखा रही हूँ। इसमें जो वेलवेट के हैं बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, और प्राइसेस भी बहुत हसीन है। वैसे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत, फुली एम्ब्रॉयडर्ड के साथ आपको वेलवेट के जो ड्रेसेस हैं मिल रहे हैं। ये लग्जरी कलेक्शन है इनकी, जो आप पार्टी वेयर में और वेडिंग सीजन जैसे कि आ रहा है तो उसमें आप वेयर कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, और बाकी ये जो है इंटरमिक्स में ये देखिए 1190 की आपको शर्ट मिल रही है, कॉटन कैम्ब्रिक की शर्ट, और इनके प्रिंट्स बहुत ही हसीन लग रहे हैं, बहुत ही कलरफुल पॉप से हैं ये, बहुत पॉप कलेक्शन से। और ये फिर मज़ीद इनकी लग्जरी कलेक्शन, तो ये छोटी सी झलक आप देख लीजिए, सफ़ायर इंटरमिक्स, सफ़ायर लग्जरी एंड सफ़ायर वेडिंग कलेक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अलमास, जिस वजह से हम सेंट्रल स्मॉल इस्लामाबाद में आए थे, क्योंकि अलमास में लगी हुई जी फ्लैट 40%, और लगे हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन हम लेजी बंदों ने चक्कर लगाया आज जहमत की हमने आने की। सो इसमें जो शूज़ की जो वैरायटी थी वो एक तो सेल वाले शूज़ की वो भी अब कम थी, बहुत ही कम आर्टिकल्स बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनमें भी साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेकिन फिर भी हमने मजबूरी के तहत जो है काम चला लिया, क्योंकि सेल से फ़ायदा तो उठाना ही था। सो मैंने जो 5 to 6 पेयर्स लिए थे शूज़ के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। अगर इस वीडियो में दिखाई अपनी शॉपिंग भी तो सो किसी ने भी वीडियो नहीं देखनी है, सो नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी शॉपिंग की मैंने मॉल से ब्रांड से वो सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो एक ये देखिए खूबसूरत सा लाइटिंग और कलरफुल वाला ट्रक देखिए, बहुत इसमें मेरे बच्चों ने राउंड लगाया, एक राउंड के प्राइसेस आई थिंक 300 थे, लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और ये एक नया एडिशन था सेंट्रल मॉल में, सो मैंने कहा वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। तो ये वीडियो जी और ये व्लॉग उन लोगों के लिए हैं जो इस्लामाबाद से बाहर रहते हैं, यानी कि आउट ऑफ सिटी, इस्लामाबाद में नहीं रहते, क्योंकि इस्लामाबाद पिंडी वाले तो यहाँ उनको सब कुछ पता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए और शेयर करने के लिए मैं सारा ये जो व्लॉग मैंने सेंट्रल मॉल का बनाया है इनकी ब्यूटी दिखाने के लिए, इसकी खूबसूरती ब्यूटी और ज़बरदस्त सा मॉल दिखाने के लिए। सो आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा आज का व्लॉग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ चलते हैं नेक्स्ट, बस अब हम खाना खाएंगे फूड कोर्ट से और उसके बाद हम घर को चलेंगे। तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। हेलो,
काम रह गया था वो था जी पेट पूजा करना। तो हम आ गए हैं फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट में हम आते ही हम सबसे पहले क्या खाते हैं जी, हार्डीज। और हार्डीज का जो बर्गर है, और हार्डीज के जो, ओ माय गॉड, उनके जो फ्राइज़ हैं, लोडेड फ्राइज़, वो तो यम है जी, यम। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे दीजिएगा फिर दुआएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेंट्रल स्मॉल व्लॉग, ख़त्म होता है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि इस तरह के व्लॉग और आपने मुझे बनाने चाहिए, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव, अमेजिंग और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।